कहते हैं कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है, लेकिन इंसान अपने कर्म, आदत और व्यवहार की वजह से इसे घटाता जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने पर व्यक्ति की उम्र घटने लगती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा काफी वर्ष पहले बताए गए तथ्यों के अनुसार है। उनके अनुसार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से आपकी उम्र कम हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ कामों को करने से मृत्यु के देवता यमराज बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जिस वजह से व्यक्ति की उम्र कम होने लगती है। तो आइए जानते हैं उन कामों के बारे में जिसका सीधा असर आपकी आयु पर पड़ता है और जिन्हें करने से व्यक्ति की उम्र घटनी शुरू हो जाती है। भोजन करते समय पढ़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को भोजन करते समय कभी भी कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर आयु कम होने लगती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि कभी भी भोजन को बीच में छोड़कर उठना नहीं चाहिए और ना ही झूठे मुंह उठकर फिर आकर खाना खाना चाहिए। कोई भी कार्य हो, भोजन समाप्त करने के बाद ही उठना चाहिए। हमेशा झूठ बोलना, कई लोगों का स्वभाव ही होता है झूठ बोलना। झूठ बोलकर कुछ देर के लिए तो वह मुसीबत से बच जाते हैं, परंतु आगे जाकर उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। झूठ बोलने से व्यक्ति अपनी छवि के साथ अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेता है। उसे अक्सर अपना झूठ पकड़े जाने की चिंता सताती रहती है, जिसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। लंबी उम्र चाहते हैं तो झूठ बोलने से बचें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना अशुभ होता है। जो लोग इस समय सोते हैं उन्हें जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। इस समय सोने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय सोता है उस पर देवी देवताओं की कृपा कभी नहीं होती। ऐसे लोग दुर्भाग्य के शिकार हो जाते हैं। मंगलवार और शनिवार को बाल कटवाना। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन बाल कटवाना अशुभ होता है। कहा जाता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ग्रहों से ऐसी किरणें निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इन किरणों का सीधा असर हमारे सिर पर पड़ता है। मानव शरीर का प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क होता है। यह अति संवेदनशील और नाजुक होता है, जिसकी रक्षा बालों से होती है। इस वजह से इन दिनों बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल कटवाने के बाद स्नान ना करना। यह भी माना जाता है कि बाल कटवाने के बाद नहाना जरूर चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हजामत करवाने के बाद फौरन स्नान कर लेना चाहिए। बाल कटवाने के बाद पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं, जो अशुभ माने जाते हैं। इसलिए इस कार्य के पश्चात तुरंत हटा नहा लेना चाहिए। इस कार्य के बाद पवित्रता भंग हो जाती है, अतः नहाने के बाद पवित्र हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।